देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के दगड़ी चाल का रहने वाला अंडरवर्ल्ड सरगना गैंगस्टर अरुण गोबले इन दिनों महाराष्ट्र नागपुर की जेल में सजा काट रहे थे, लेकिन तबीयत खराब होने पर जब उनका चेकअप हुआ तो वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके साथ जेल में बंद कुल 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिनके बाद उन्होंने नागपुर के अस्पताल में लाया गया, जहां क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें रखा गया। आपको बता दें कि अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गोबले कोरोना काल से पहले पेरोल पर बाहर आए हुए थे। दोबारा जेल जाने पर नए कैदियों के संपर्क में होने की वजह से वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें आनन फानन में नागपुर के ही सरकारी अस्पताल के क्वारंटाइन सेंटर में एडमिट किया गया। उनके साथ 5 अन्य लोग का भी इलाज चल रहा है। मुंबई से हमारे संवाददाता शुभम पांडे का रिपोर्ट, CFI समाचार। पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पड़ोसी देश में बैठे आतंकी हैंडलर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत दोवल को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस बात का खुलासा जैश-ए-मोहम्मद के एक गिरफ्तारी आतंकी ने किया है। जैश का ये ऑपरेटिव 6 फरवरी को दक्षिण कश्मीर के शोपिया से गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार।